हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस प्रीलिम स्पेशल इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी पासपोर्ट यदि हम बात करें पासपोर्ट का, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि किसी भी एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने के लिए लोगों को पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसी संकल्पना के आधार पर इम्यूनिटी पासपोर्ट को भी विकसित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसे पहली बार लोगों के सामने लाया गया है, इससे पहले भी कई बार इस प्रकार की संकल्पना आ चुकी है। यदि हम बात करें इस संकल्पना का, यानी कि इम्यूनिटी पासपोर्ट की संकल्पना का, तो विश्व इस बात पर विचार कर रहा है कि लोगों को एक प्रमाण पत्र दिया जाए, एक पासपोर्ट दिया जाए, जिसमें इस बात का गारंटी होगा कि लोग बिना क्वारंटाइन का पालन किए हुए एक देश से दूसरे देश को यात्रा कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया था, वो लोग अपनी खुद के इम्यूनिटी पावर का इस्तेमाल करते हुए अब कोरोना वायरस के संक्रमण से बच चुके हैं, उन लोगों को यात्रा करने का परमिशन दिया जाएगा इस पासपोर्ट के माध्यम से। उन लोगों को यात्रा के बाद क्वारंटाइन समय का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हम लोग इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसे डिस्कशन करते हैं। इसके लिए कौन सी चुनौतियां हैं, उन सब बातों पर ध्यान देते हैं। यदि हम बात करें आज यानी कि 14 अगस्त तक, तो पूरी दुनिया में 2,10,95,000 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। इसमें जो रिकवर्ड लोग हैं, यानी कि जो लोग इस बीमारी से बचे हैं, वो लगभग 1,39,46,000 से ज़्यादा हैं। इन्हीं लोगों को, यानी कि जो लोग इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं, उन लोगों को इस प्रमाण पत्र को देकर और एक देश से दूसरे देश के बीच में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। यदि हम बात करें इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों का, तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे देश जैसे कि इटली, जर्मनी, चिली या फिर यूनाइटेड किंगडम इत्यादि, वो देश हैं जो इस चीज़ पर अब विचार करने लगे हैं, ताकि पहले की तरह जो आज से 7 महीना पहले कोरोना वायरस के संक्रमण से पूर्व में विश्व सुचारू रूप से संचालित हो रहा था, उसी दिशा में कार्य किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो WHO के साथ जुड़े हुए हैं, भारत के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा भी इस चीज़ पर सलाह दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो लोग भी इस बीमारी से अपने आप को रिकवर कर चुके हैं, उन लोगों को न सिर्फ एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने की अनुमति दी जाए, बल्कि उन लोगों को औद्योगिक या फिर अपने व्यापार को भी चलाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन ये कुछ आसान नहीं होता है। यदि हम बात करें वैक्सीन और प्राकृतिक संक्रमण के बीच की तुलना करें फ्रेंड्स, तो वैक्सीन में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन दे दिया जाता है, तो वैक्सीन दिए जाने के बाद वो व्यक्ति कोरोना वायरस के संपर्क में आएगा तो उसे वो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि उसके शरीर में उसकी इम्यून पावर को वैक्सीन के माध्यम से बूस्ट किया जा चुका है। अब इसका ठीक समकक्ष आप देखिए, कोरोना वायरस के लिए यदि वैक्सीन आ जाएगा, उसके बाद लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, और वैक्सीन देने के बाद लोगों को कहा जाएगा कि आप स्वतंत्र हैं, पहले की तरह जिस प्रकार से आप बिहेव करते थे अब आप करें। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जो लोग अपने आप को अपने खुद के इम्यून पावर से स्वस्थ कर चुके हैं, उनको ऐसा क्यों रोका जा रहा है कि वे लोग एक देश से दूसरे देश में यात्रा ना करें, या फिर अपने जो औद्योगिक संस्थान में काम कर रहे थे उनको ना करें, उनको क्यों रोका जा रहा है? वैक्सीन के बाद जो कुछ हो सकता है, वो जो उनके शरीर में खुद का इम्यून पावर बूस्ट हो चुका है, उसकी वजह से भी तो संभव है। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। इस बात को लेकर भी वैज्ञानिक और नीति निर्माताओं के बीच बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन इसके लिए कुछ समस्याएं कम नहीं है। सबसे पहले कुछ नैतिक चुनौतियां हैं जिसे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले, यदि किसी व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि वो व्यक्ति कुछ समय तक
कोरोना वायरस के संक्रमण में था, अब वो ठीक हो चुका है, लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि आने वाले समय में उस व्यक्ति को फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा? हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ वो ठीक हो गया, उसके बाद फिर से उसे कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है, ऐसा अभी तक नहीं पाया गया है। लेकिन ये पूरी तरह से प्रूव्ड नहीं है कि उसे फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं ही होगा। दूसरा, मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि वो अब अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला लेगा या फिर उसमें फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे रोग पहले से हैं जिनके लिए बहुत सारे वैक्सीन बने हुए हैं। लोग आने वाले समय में उन वैक्सीन को जो लोगों के द्वारा लिए बनाए जा रहे हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? वो कहेंगे कि मेरे शरीर में पहले से इतनी सारी इम्यूनिटी है, इतनी सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो मुझे किसी भी प्रकार के वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये सार्वभौमिक टीकाकरण के कार्यक्रमों को भी चुनौती दे सकता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी ये जोखिम की बात है, क्योंकि फ्रेंड्स, आप मान के चलिए किसी व्यक्ति को प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, वो व्यक्ति या तो कोई होटल चलाता है, या तो ढाबा चला रहा है, या फिर कोई कपड़े का दुकान चला रहा है। हो सकता है कि उस व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो, लेकिन यदि उसके शरीर में कोरोना वायरस है, हो सकता है कि उसके शरीर में बहुत सारे इम्यूनिटी थे जिसकी वजह से उसको कोरोना वायरस प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन उसके शरीर में कोरोना वायरस हो सकता है। और यदि है, उसको तो संक्रमित नहीं करेगा, लेकिन जो व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा क्या उसको संक्रमित नहीं करेगा? इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। यदि ऐसा होता है तो फिर सरकार को जल्दी जल्दी बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, सरकारी खर्च बढ़ेगा। और यदि ऐसा हो जाए कि किसी गांव, किसी मोहल्ला या फिर किसी पूरे के पूरे इलाके में अचानक से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ जाए, तो उसकी वजह से जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो चरमरा जाएगी, लोगों की मौतें होने लगेंगी। और यदि ऐसा होता है, ऐसा नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये भी एक समस्या है जो सार्वजनिक समस्या के रूप में, जोखिम के रूप में स्थापित हो चुका है। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अभी सर्टिफिकेट लेकर अपने उद्योग को चला रहा है, लेकिन वो व्यक्ति अभी जिस प्रकार से कमा रहा है, आने वाले समय में भी इसी तरह से कमाता रहेगा, उस चीज का प्रमाण कौन देगा? क्योंकि जिस समय लॉकडाउन खुलेगा, सारे औद्योगिक संस्थान सुचारू रूप से संचालित होने लगेंगे, उस समय जो व्यक्ति अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के एक समय अपने उद्योग को संचालित कर रहा था, उसे लोग इग्नोर नहीं करेंगे, समाज में उस तरह से नहीं मानेंगे, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर उसके साथ किसी अलग तरह से बिहेव करेंगे, इन सब चीजों को भी देखना होगा। तो ये भी एक समस्या उत्पन्न करती है। अगर हम बात करें दूसरे कुछ महत्वपूर्ण बातों का, तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस या फिर दूसरे किसी भी बीमारी के लिए जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है, उसका प्रमाण किसके द्वारा दिया जाता है? वो बायोमार्कर के द्वारा दिया जाता है। यानी कि यही वो चीज है जिसकी वजह से, जिसके प्रेजेंस के वजह से पता किया जाता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी पावर का विकास हुआ है या फिर नहीं है। अब आप समझिएगा, किसी व्यक्ति के शरीर में कौन से बीमारी के वजह से या फिर कौन से वायरस के वजह से इम्यूनिटी पावर विकसित हुआ है, इसको कौन पहचान करेगा? जब टेस्ट किए जाते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी है या फिर नहीं है, तो वो तो सिर्फ ये देखता है कि उसके शरीर में एंटीबॉडी निर्मित हुआ है, वो कौन से वायरस के लिए हुआ है, कौन से बीमारी के लिए हुआ है, इस बात का प्रमाण नहीं किया जा सकता। अब किसी व्यक्ति को प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, उसके बॉडी में एंटीबॉडी निर्मित हो चुका है इसके लिए, और वो अपना व्यावसायिक कार्य को संचालित करने लगता है, उसके बाद में उसको कोरोना वायरस के संपर्क में आने की वजह से कोरोना वायरस हो जाता है या फिर कोरोना की बीमारी हो जाती है, तो फिर इसे कैसे निपटा जाएगा? तो ये भी एक समस्या है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। गोपनीयता के मामले में भी ये चुनौती उत्पन्न कर सकता है। इस बात की क्या गारंटी है कि जिन लोगों को इस बात की इस अनुमति दी जाएगी कि आप लोगों को सर्टिफिकेट दें
कि वो लोगों के शरीर में इम्यूनिटी पावर विकसित हुआ है नहीं हुआ है, वो लोग इसका मिसयूज नहीं करेंगे, खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, मुनाफाखोरी संबंधी कोई कार्य नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधि नहीं होगी, इस बात की कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे कार्यों को संचालित करने के लिए पूरे विश्व को या फिर संबंधित देश को एक कानून बनाना होगा और कानून बनाने के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी फ्रेंड्स इम्यूनिटी पासपोर्ट से संबंधित। आप इसे ध्यान रखें, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, मेंस में विशेष रूप से इथिक्स पेपर में आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो यह हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।